सो गाइस, कुछ दिन पहले हमने शाहिद कपूर एंड कृति सैनन की मूवी का एक ट्रेलर देखा था एंड मूवी का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जहाँ पर हमें ये तो समझ में आया कि कृति एक रोबोट होने वाली है, बट उसमें भी ना काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे आई थिंक मूवी में, एंड वो ना रोम कॉम मूवी होगी तो हमें कॉमेडी भी उसमें काफ़ी अच्छी मिलेगी। एंड अभी बात करें तो उस मूवी का एक गाना आ चुका है अखिया गुलाब, तो चलिए सबसे पहले गाना सुन लेते हैं। इसका जो पिछला सॉन्ग था ना, हमें जो ट्रेलर में सुनाई दिया था एंड बाद में उन्होंने रिलीज भी किया था, लाल पीली अखिया ऐसा कुछ सॉन्ग था वो, तो वो गाना काफ़ी कमाल का था। उस पर खैर हम उस पर रिएक्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन ये सॉन्ग हम जरूर सुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले गाना सुन लेते हैं, कैसे उस पर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तुम मजाक कर रही हो या लाइन मार रही हो? लाइन मार रही हो। साडा प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार, ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के। कैसी ये लगदी कमाल तेरी अखियां गुलाब, के ना जावे साडा प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार, ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के। तेरी रजा तेरी जमी तेरे इरादे हो रा, तेरी कमी होवे कभी मेरे करीब रे। तेरी रजा तेरी जमी तेरे इरादे हो रा, तेरी कमी होवे कभी मेरे करीब रे। माही आवे पलकों में तेरे कोई ना जावे, अंबरा भी गुला गुला सा लागे, बस एक तेरे नाल में। कैसी ये लगदी कमाल तेरी अखियां गुलाब, के ना जावे साडा प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार, ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के। तेरी रजा तेरी जमी तेरे इरादे हो रा, तेरी कमी होवे कभी मेरे करीब रे। तेरी रजा तेरी जमी तेरे इरादे हो। सो जैसे कि हमें पता है मूवी आने वाली है 9 फेब को, यानी वैलेंटाइन वीक में, तो कपल्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है अगर आप डेट पर जाना चाहो अपने पार्टनर के साथ। एंड जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा था कि कृति एक रोबोट होने वाली है एंड सब कुछ जो होने वाला है उसके रिलेटेड कॉमेडी भी होगी। सो ये रोम कॉम मूवी होगी, तो रोम कॉम मूवीज जैसे कि मैंने कहा था ज़्यादातर आती नहीं है, कभी कभी आती है तो उनको एंजॉय करना चाहिए। अगर सॉन्ग की बात करें तो सॉन्ग में ना सबसे ज़्यादा देखने का मज़ा जो था वो था शाहिद का डांस, एंड काफ़ी सारे लोग यहाँ पर होंगे जो शाहिद कपूर के डांस के फैंस होंगे, क्योंकि ना शाहिद जिस तरह से डांस करते हैं, मतलब जो इजीली ग्रेसफुली वो डांस करते हैं ना, वो इंडस्ट्री में काफ़ी कम लोग करते हैं। एक तो सबसे पहले है ऋतिक रोशन, बाद में आते हैं शाहिद कपूर, अभी की बात करें तो टाइगर श्रॉफ भी काफ़ी अच्छा डांस करते हैं, तो ना ऐसे डांसर काफ़ी कम होते हैं जो इतना ग्रेसफुली डांस करते हैं एंड उनका डांस देखने में ना सच्ची में मज़ा आता है। तो इस सॉन्ग में शाहिद ने जिस तरह से डांस किया ना, बस मतलब मन से ऐसे आहा वाले शब्द आ रहे थे कि क्या डांस कर रहा है यार। एंड कृति के बारे में बात करूँ तो शाहिद मेरे मतलब बहुत दिनों से फेवरेट है, बचपन से कहेंगे हम, एंड कृति ना मेरी रिसेंट फेवरेट है, तो वो दोनों मेरे जो फेवरेट है वो साथ में आ रहे हैं एज अ जोड़ी, एज अ पेयर बनकर, एंड कमाल की दिख
रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। मैंने गाने में भी कहा दोनों की जोड़ी ना काफ़ी कमाल लग रही है, एंड सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, काफ़ी रॉकिंग लगा मुझे, बीट्स काफ़ी कमाल के बज रहे थे। एंड हम इसको एक डांसिंग सॉन्ग कहेंगे क्योंकि वो जो बीट्स बज रहे थे ना वो डांस के लिए काफ़ी ऐसे मतलब मूड बन जाता है डांस का आपका। सो सॉन्ग में कुछ अलग बात भी थी, वो भी एक बात है कि सॉन्ग कुछ अलग लग रहा था, थोड़ा सा यूनिक लग रहा था, एंड थोड़ा सा अलग सॉन्ग सुनने को मिला हमें, क्योंकि एक टाइप के सॉन्ग सुनकर ना कभी कभी ऐसे मन पक जाता है, तो ये सॉन्ग ना कुछ अलग तरह की वाइब दे रहा था। सो सॉन्ग मुझे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, एंड सबसे ज़्यादा पसंद आया तो वो शाहिद कपूर का डांस ही है, क्योंकि उनकी फ़ैन तो हूँ ही लेकिन उनके डांस की और भी ज़्यादा फ़ैन हूँ मैं। एंड कृति एंड शाहिद काफ़ी अच्छे लग रहे थे साथ में। तो आपको ये गाना कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए, एंड आपको किसी और नए सॉन्ग टीजर या ट्रेलर पर रिएक्शन या फिर रिव्यू चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। बाकी सॉन्ग काफ़ी कमाल था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, टिल देन बाय।